फाइनली दोस्तों, ये है 2023 का न्यूली लॉन्च एम्पियर कंपनी की तरफ से प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम फास्फेट बैटरी के साथ। ये पूरा का पूरा एक नया मॉडल है, नया लॉन्च किया कंपनी ने। इस स्कूटर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज और रेंज कितनी मिलती है, इसकी एक्सोरूम कितनी है, ऑन रोड कितनी है, गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी मिल जाती है और वारंटी कितनी मिलती है, सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्कूटर के फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसका जो वाइजर अभी आप देख रहे हैं, ये आपको मैट ब्लू कलर में मिलता है। नीचे में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। बाकी हेडलाइट के नीचे में आपको LED DRL का सेटअप मिलता है। और हेडलाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं हेडलाइट को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा LED हेडलाइट का ही सेटअप मिलता है। बाकी एप्रेन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में, नीचे में एम्पियर की बैजिंग मिल जाती है। इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो इसके जो इंडिकेटर हैं वो आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाले मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको थोड़े से सिल्वर कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। बाकी आगे वाला जो मडगार्ड है, ये आपको मिलता है फाइबर बॉडी के साथ, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। बाकी आगे में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिल जाता है। अगर आप इसकी पीछे वाली ब्रेक को दबाते हैं तो इसकी आगे वाली ब्रेक भी एक साथ काम करती है। 90-90-12 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये जो स्कूटर है वो मैग्नस EX इलेक्ट्रिक स्कूटर से देखने में और लंबाई और चौड़ाई में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। अगर आप इसके साइड बॉडी पैनल के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइमस का 3D में लोगो मिलता है। यहाँ पर आपको सिल्वर और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है। बाकी ये जो बॉडी पैनल हैं, ये आपको प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं। पिलियन के कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के एडजस्टेबल फुटरेस्ट का सेटअप मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 160 mm की काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी इसके जो बेस पैनल हैं, ये भी आपको फाइबर बॉडी के मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लेग रूम है, ये आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें सिलेंडर या फिर आप पानी की जो डिस्पेंसर वाली बोतल होती है उसको आसानी से रख सकते हैं। सीट के नीचे वाले हिस्से में आपको मिलता है चार्जिंग का सपोर्ट। यहीं पर आपको चार्जर लगाना है बैटरी को चार्ज करने के लिए। अभी हम इसकी चाबी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको वेव की मिल जाती है कुछ इस तरह की, जिसमें आपको एम्पियर की ब्रांडिंग भी मिलती है। और इसी से आप इसके बूट के स्टोरेज को यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैरी हुक मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक ग्लव बॉक्स भी मिलता है। अगर आप चाहें तो मार्केट से कुछ छोटा मोटा फ़ोन हो या आपका पर्स वगैरह हो, इसमें आप कैरी कर सकते हैं। मीटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है। और यहाँ पर आपको मिलती है हेडलाइट की बटन। नीचे में आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं स्कूटर को चलाने के लिए। पहला इको मोड मिलता है, दूसरा सिटी और तीसरा पावर मोड मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पीड को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो इको मोड में इसमें आपको स्पीड मिलती है, जैसा कि सबसे पहले मैं इसको पार्किंग वाले को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर रेडी की आपको एक वार्निंग शो हो रही है। अब ये स्कूटर चलने को तैयार है। तो इको मोड में आप देख सकते हैं स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है 50 km/h की। और ये जो पीछे वाला व्हील है अभी घूम रहा है। अभी मैं इसको सिटी मोड में भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो सिटी मोड में स्पीड आपको मिल जाती है 63 km/h के आसपास। और पावर मोड में जब आप जाते हैं तो इसमें आपको मिलती है 92 km/h के आसपास। लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है वो है 75 km/h की इसमें आपको स्पीड मिल जाती है, जब आप इसको रोड पर चलाएंगे स्कूटर पर बैठकर। इसके मीटर फीचर्स की अगर हम बात करें तो साइड में टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आपको मिलती है रेडी की लाइट। जैसा कि अगर आप इसकी पार्किंग वाली लाइट को जला देते हैं तो स्कूटर अभी चलने के लिए तैयार है। अगर आप थोड़ा सा थ्रोटल देंगे तो इसका जो पीछे वाला व्हील है वो तुरंत घूम जाएगा। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग की लाइट है, यहाँ पर आपको बैटरी, हेडलाइट और नीचे में आपको मिल जाता है ओडोमीटर। यहाँ पर बैटरी की परसेंटेज को देख सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, DTE मिल जाता है, डिस्टेंस टू MT मिल जाता है, कि ये जो बैटरी जितने भी परसेंट अभी चार्ज है इसी के हिसाब से यहाँ पर बैकअप सो रहा है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो 107 किलोमीटर की यहाँ पर आपको फुल रेंज मिल जाती है। इसके साथ ही इसमें आपको GPS नेविगेशन असिस्ट मिल जाता है और इसमें आपको रिमोट की मिल जाती है। और यहाँ पर आपको अपर डिपर इंडिकेटर और फोन का बटन मिलता है। बाकी ये जो ब्रेक है ये भी काफ़ी लाइट है, यहाँ पर आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है दोस्तों।
अगर इसके सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सीट के अंदर की जो कुशन है, ये जो फोम का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिल जाता है, जिससे अगर आप इससे लॉन्ग राइड भी करते हैं तो कोई भी थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इसकी जो सीट है वो आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलती है, जिसके ऊपर और नीचे में आपको वाइट कलर की स्टिचिंग मिल जाती है। अगर आपकी हाइट 5.5 फिट या फिर 5 फिट के आसपास है तो आप इसको बहुत ही प्यार से राइड कर पाएंगे। तो चलते हैं अभी इसकी बैटरी की तरफ। तो सीट के नीचे की साइड में देखेंगे तो 22 से 24 लीटर का यहाँ पर आपको सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको LED बूट लाइट मिल जाती है नाइट में यूज करने के लिए। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है एम्पियर वाई ग्रिप्स का चार्जर, और ये जो बैटरी टाइप है ना, ये लिथियम फॉस्फेट वाली बैटरी को ही चार्ज करता है। इनपुट है, जो आउटपुट है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। चार्जर जो है वो काफ़ी बड़ा है और मेरे हिसाब से इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा ठीक ठाक होगा। और इसका जो सॉकेट वगैरह है और स्कूटर में लगाने वाला, कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसको मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो ये है वो लिथियम फॉस्फेट वाली बैटरी जो कि 48 वोल्ट 60 एम्पियर की दी गई है, और ये बैटरी एकदम फिक्स है, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहें तो इसको घर पर निकाल कर चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इस बैटरी से फुल चार्ज में आपको रेंज मिलती है 107 किलोमीटर की फुल चार्ज में। चार्जिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप इसको 30 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करते हैं तो मात्र 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। अगर आप इसको 15 एम्पियर वाले चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये बैटरी 4 घंटे में फुल चार्ज होती है। अगर आप इसके साइड बॉडी पैनल के नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर लगाया गया है, जिससे धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह अंदर की साइड बैटरी की तरफ ना जा सके। और पीछे में भी आपको 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि पीछे वाले इस वाले व्हील में मोटर अटैच नहीं है डायरेक्ट में, तो इसमें आपको सेपरेट मोटर मिलती है, इसमें आपको वेल्ट वाला सिस्टम मिल जाता है। बाकी यहाँ भी आपको प्लास्टिक की कवरिंग मिल जाती है। रियर पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे में बड़ा सा ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ बॉक्स वगैरह भी यहाँ पर फिट करा सकते हैं। हेलोजन टेल लाइट और हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर, नीचे में रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और नंबर प्लेट यहाँ पर आपको ग्रीन लगने वाली है। अगर आप इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेडी पिलियन फुटरेस्ट मिल जाता है। बाकी ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसको प्लास्टिक से कवर किया गया है, जिसमें मोटर में और बेल्ट में कोई भी धूल मिट्टी और कीचड़ अंदर ना जा पाए। और अगर हम मोटर की बात करें तो इसमें आपको 2.3 किलोवाट की यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर मिलती है, जो इस स्कूटर में यहाँ पर प्लेस की गई है दोस्तों। इसके साथ ही यहाँ पर आपको साइड स्टैंड सेंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर इसका साइड स्टैंड डाउन होता है, अगर आप स्कूटर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये स्कूटर बिल्कुल भी आगे नहीं चल। बात करें इसके प्राइस के बारे में और गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में, तो एम्पियर प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत है 1,09,900 रुपये, और 34,500 रुपये की गवर्नमेंट सब्सिडी काटने के बाद इसकी फाइनल ऑन रोड कीमत है 1,27,000 रुपये। अगर हम वारंटी वगैरह के बारे में बात करें तो इसकी मोटर, बैटरी, कंट्रोलर और चार्जर पर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप कोलकाता हावड़ा हुगली आसपास से हैं और एम्पियर कंपनी का कोई भी स्कूटर अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो आप न्यू DV एंटरप्राइजेज गोरा बाजार दमदम वाले शोरूम में आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एम्पियर कंपनी के सारे लेटेस्ट वाले मॉडल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये कोलकाता का सबसे बड़ा डीलरशिप है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रेट में एम्पियर स्कूटर मिल सकते हैं।